आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं, वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, MCQs भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है, यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे, या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मेरा ये नाम विक्रम सिंह देवांगन सर्च करें, विक्रम सिंह नहीं, विक्रम सिंह देवांगन, DEWANGAN, विक्रम सिंह देवांगन सर्च करेंगे तो मेरा जो है हिंदी मीडियम वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सो आप हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, विक्रम सिंह देवांगन सर्च करेंगे, ये मेरा चैनल है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपको क्रैश कोर्स में नेक्स्ट क्लास में ले जा रहा हूं, इनकी तैयारी आप कर लें। देखिए कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर मोनोमर्स याद हो तो हम उनके पॉलीमर्स याद रख सकते हैं, बस इसी बात को कंटिन्यू थोड़ा सा करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देखें एथिलीन दो प्रकार के बनेंगे, अगर कंडीशन ऐसा हो 473 केल्विन और 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब अल्प मात्रा में ऑक्सीजन लेकर के एथिलीन को पॉलीमराइज किया जाता है तब ये बनाता है। आपको पता है रिएक्शन क्या हो गई, ये हो जाएगा बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 कंटिन्यू हो गया और ये N पॉलीथिलीन बनाता है, आपको पता है ये बात। लेकिन पॉलीथिलीन दो प्रकार का बनेगा, अगर ये कंडीशन होगा तो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन बनेगा, LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। और यदि कंडीशन ये हुआ, ये जो पदार्थ है आप देख रहे हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम इथेन या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, अगर ये हो तो इसको कहा जाता है जिग्लर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। तो जिग्लर नाटा कैटलिस्ट उपयोग किया जाता है इस कंडीशन में कि 333 केल्विन से 343 केल्विन तापमान और 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है तो, और ये कैटलिस्ट लिया जाता है तो ये जो पॉलीथिलीन है वो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बनाता है। फॉर्मूला वही होगा, रिएक्शन वही होगा, कुछ अलग नहीं दिखा सकते हम यहाँ पे, पर इसके स्ट्रक्चर जो लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी और इस जगह पर ये कह बनाता है HDPE, कंडीशन याद रखिएगा। फिर होता है बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, ये जो देख रहे हैं आप CH2CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 प्रोपिलीन, इसको कहते हैं प्रोपिलीन। प्रोपिलीन से बनेगा, जो बनेगा उसको हम समझ रहे होंगे कि क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और यहां पर CH3 हो जाएगा N, इसको कहेंगे पॉलीप्रोपिलीन। जो खाने पीने की जो भी पदार्थ होते हैं उनके लिए सेफ होता है, इसलिए इनको जब रैपर करने के लिए या पैक करने के लिए जिस तरह के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, या फ्रिज में आप जिन प्लास्टिक को देखते होंगे नॉर्मली वो जिसमें पैक करके रखते हैं अपने भोजन, वो होता है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीस्टाइरीन जो मैंने थर्मोकोल के बारे में बताया था, वहां पर यह बेंजाइल एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में ये पॉलीमराइजेशन करता है और बनाता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को आपको बताया था थर्मोकोल है, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, स्ट्रक्चर लंबी बड़ी सी बन जाएगी। ये है मेथिल मेथाक्राइलेट। तो इसमें मेथाक्राइलेट के जो हो गया तो मेथाक्राइलेट भी बोल सकते हैं, मेथिल मेथाक्राइलेट, इनका पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉली मेथिल मेथाक्राइलेट बनेगा। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होना है देखें, उधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल COOCH3 ओपन बॉन्ड CH3, इस तरह से N। फिर इधर देखें, यहां पर क्या है, मेथिल एक्राइलेट नहीं है, यहां पर इथाइल है, इथाइल एक्राइलेट हो गया, यहां पर मेथाइल अलग से जुड़ा हुआ था इसलिए बोले मेथिल
मेथाक्राइलेट और ये क्या इथाइल मेथिल भी लिख सकते थे आप, मेथाइल एक्राइलेट, और ये इसमें नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एक्राइलेट। इथाइल एक्राइलेट बिल्कुल वैसे ही होगा तो क्या बनाएगा, ये वैसे ये क्या बनाया, पॉली मेथाइल मेथाक्राइलेट, और ये क्या बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा COO C2H5, कंटिन्यू हो गया, ये बनाएगा पॉली इथाइल एक्राइलेट इस तरह से। परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड है या कोई दूसरी परऑक्साइड है उसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन संपन्न होती है। वैसे परऑक्साइड की उपस्थिति में यह एक्राइलोनाइट्राइल तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाता है PAN, इसको अरलोन भी कहते हैं। ये सब आप जान चुके हैं, पहले देख चुके हैं, मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि उस कंडीशन को आपके सामने लिख दे रहा हूं। यहां पर है टेफ्लॉन जो बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, इसकी कंडीशन होगा अमोनियम पर सल्फेट की उपस्थिति में और उच्च दाब पर क्या बनाएगा, टेफ्लॉन बनाएगा। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, बस इसके आगे अब बढ़ते हैं जिसके बारे में बातें किया था। नायलोन 6-6, नायलोन 6, नायलोन 6-6, टायरिलीन, ग्लिप्टल, मेलामाइन पॉलीमर, बेकेलाइट, ये सब चीजें हैं। इनके बारे में आप सबसे अच्छा काम करें कि पहले कुछ मोनोमर्स को याद कर लें तो उनको हम यहां पर यूज कर सकें। तो कुछ मोनोमर आपको याद करा देता हूं, जब तक इनको मैं हटा देता हूं। कुछ मोनोमर्स हैं, आप जानते हैं सारी चीजों को लगभग, ये है फिनॉल, आपको रिमाइंड कराने के लिए यूज कर रहा हूं मैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, छह कार्बन वाला डाइएमीन, NH2CH2CH2CH2CH2 कितने बार, 6 टाइम NH2, इसको बोलेंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसी तरह से छह कार्बन वाला एसिड COOH, CH2 4 टाइम होगा ये CH2 COOH। अब इसको ये नहीं बोलेंगे कि टेट्रामेथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जगह हम ये बोल देंगे एडिपिक एसिड COOH पर बेंजीन पर एक सी ओ एच है तो बेंजोइक एसिड कहलाता है। दो बार आ जाए और पैरा पोषण पर आ जाए तो कहेंगे पैरा थैरिक एसिड, या बोलेंगे टेरा थैलिक एसिड। इसी तरह से ऑर्थो पोजिशन पर रहे तो इसे कहेंगे ऑर्थो थैलिक एसिड। इसी तरह से सी सी एन एन सी एन सी ऐसा होगा, तो इन जगहों पर NH2 होगा तो इनको कहा जाता है मेलामाइन। एक और मोनोमर यूज होता है यूरिया NH2CONH2, यूरिया। आपको अभी तक बताए गए सारे मोनोमर्स याद हो चुके हैं, हम उनका यूज करेंगे। चलो देखते हैं, नायलोन 6-6, नायलोन 6-6, यहां पर नायलोन पर है दो शब्द, दो नंबर्स लगे हुए 6-6। दो अलग प्रकार के मोनोमर है जिसमें 6-6 कार्बन है, एक है एमाइन और एक है एसिड। तो देखिए हमने देखा था ऐसा ही, NH2
CH2 6 NH2, एंड टाइम प्लस COOH CH2 4 COOH, इस ये भी एंड टाइम होगा। इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ये कहलाता है एडिपिक एसिड। इन दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है, इन दोनों को 553 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और हाई प्रेशर रखा जाता है। इससे क्या होगा, एक कंडेंसेशन की क्रिया होगी। अभी तक जो देखे थे जितने भी पॉलीमर देखे थे वो सभी योगात्मक बहुलक है, यानी कि एडिशन पॉलीमर है। अब मैं जो दिखा रहा हूं संघनन बहुलक यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन होता है यानी कि दो अणु जब मिलती हैं तो कोई और अणु का भी निर्माण होता है, वहां से मुक्त होती है, वहां पर वो सरल से गुणक होती है, यहां पर कुछ निकल जाने की वजह से जो बना हुआ जो मॉलिक्यूल है या पॉलीमर है उसका जो वेट है वो या आणविक द्रव्यमान जो है मोनोमर के आणविक द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यहां पर संघनन बहुलक, यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे, NH2 में से H निकलने का गुण है तो ये H निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इसका जो है OH निकलेगा। तो देखिए इसका H निकल जाने से क्या हुआ, NH फिर CH2 6 NH, फिर आगे चले इस तरफ ये निकल गया तो CO बचा, CO CH2 6 और क्या हुआ CO, अब ओपन हो गया। ये बातें पहले हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक एसिड, यानी ये जो यूनिट है ये बार बार कॉपी होते जाएगा और इस तरह से बन जाता है नायलॉन 6 6 बनता है। यहां पर आप ध्यान से देखिए इस जगह पर जो स्ट्रक्चर है वो है NHC डबल बॉन्ड O, ये बिल्कुल जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होता है यानी कि एमाइड बॉन्ड होता है, इसको एमाइड कह सकते हैं, CONH2 एमाइड है, तो एमाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीनों में जैसे एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं जिस तरह से, वही उसी तरह का बॉन्ड होता है। यही कारण है कि जो ये पॉलीमर होता है इसको जब आप जलाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का स्मेल आता है जिस तरह की प्रोटीन को जलाने पर आती है। तो ये प्रोटीन जैसे ही संरचना बन जाती है, लंबी लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको कहते हैं हम लोग नायलॉन 6 6। आपको मैं एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिए, इनके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, इसका यूज क्या है, ये सभी अनअकैडमी में डालूंगा मैं और आप उनको देख लीजिए, तो उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वहां पर कि इनके क्या बोलते हैं क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। उन जानकारियों को वहां से कलेक्ट करिए, उनके नोट्स वहां से कलेक्ट करिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिटेल्स जानने के लिए आपको क्रैश कोर्स में डालूंगा, थोड़ी फास्ट कराऊंगा, जितना जल्दी हो सके उन बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां से इनको कर लीजिए या अपने पास अपने बुक से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अनअकैडमी में जाएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको आपके लिए। चलिए ये हो गया, सेकेंड है नायलॉन 6 6 में आपको याद हो गया, प्रश्न पूछे जाते हैं नायलॉन 6 6 के मोनोमर्स क्या होते हैं, तो ये आपको जवाब मिल गया, ठीक है। क्या होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड होता है। अब आती है बातें नायलॉन 6 में एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें NH2 ग्रुप होगा और CO होगा एक ही अणु में, वो क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोइक एसिड बनता कैसे है, कैप्रोलेक्टम से बनता है। तो कैप्रोलेक्टम बनता कैसे है, कैप्रोलेक्टम बनता है साइक्लोहेक्सेन से। तो साइक्लोहेक्सेन को कैप्रोलेक्टम तक कैसे पहुंचाएंगे, इनकी एक रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, यह है CH2 CH2 सिक्स टाइम और एक रिंग, तो यह कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की यदि हम रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इस साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण होने पर सब जगह पे CH2 आपको पता होगा, उसका 2H इनके एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना लेगा H2O और एक ऑक्सीजन इस जगह पे आ जाएगा, बन जाएगा CO, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। कीटोन है ना ये, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमिन NH2OH से, तो ये OH O और ये दोनों H निकल जाएगा पानी बनके H2O। अब बच गया C जो है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर देख लें, मैं लिख देता हूं पूरा CH2 CH2 सिक्स टाइम CH2 CH2 CH2, और इस जगह पर डबल बॉन्ड, दो वैलेंसी बची हुई नाइट्रोजन का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है
इसे कहा जाता है ये साइक्लोहेक्सेनोन है, हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन किया, ऑक्सिन बना, ऑक्सिन बना, तो इसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोक्सिन, साइक्लोहेक्सेनोक्सिन, इसको क्या कहा जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोक्सिन। ये H2SO4 के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस जगह पर एक रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है बैकमैन रीअरेंजमेंट, यानी बैकमैन पुनर्विन्यास। इस स्थिति में होगा ये कि H इसके पास चला आएगा, O जो है C के पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा इस जगह पे ध्यान से देखिए, N के पास आ गया H, C के पास आ गया O, और देखो इसकी दो वैलेंसी बची है नाइट्रोजन की, तीन होती है तो, और कार्बन की भी चार होती है तो दो बची हुई थी जो इनके साथ एक जॉइंट हो गया और इस तरह से बच गया, बाकी चीजें वही है 1 2 3 4 5 5 CH2 CH2 CH2, तीन हो गया, ये चार हो गया और ये पांच, इस तरह से। इसको कहा जाता है कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम को जल के साथ बॉइल करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इससे बचेगा H और बचेगा OH। H जो है N रख लेगा, NH2 हो गया, OH को CO रख लेगा, COOH हो जाएगा, तो बन गया NH2CH2, कितने बार है देखो, 1 2 3 4 5 5, और COOH, ये कहलाता है कैप्रोइक एसिड। इसी कैप्रोइक एसिड के बहुलीकरण से, संघनन बहुलीकरण से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6। जरा देख ले, इतने को हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप, पॉलीमराइजेशन होगा सेकंड स्टेप ले लेते हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एन टाइम NH2CH25COOH के साथ अभिक्रिया करेगी, नहीं इसके ये जो है ये इसका OH और इसका H निकलेगा, पॉलीमराइजेशन जब होगा तो, तब क्या होगा जरा देखें, बच गया NH, फिर है CH2 5 times CO, और ये कंटिन्यू हो गया और यही यही चीजें बार बार जुड़ने लगी। तो यहां पर भी देखिए CO के बाद अगला जो है वो NH है, यानी कि CONH, एमाइड, तो पॉलीएमाइड है नायलॉन 6 और पॉलीएमाइड है नायलॉन 6। बिल्कुल प्रोटीन में पाए जाने वाले पेप्टाइड बॉन्ड की तरह बॉन्ड होता है, तो पॉलीपेप्टाइड होता है या प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको गर्म करने पर या जलाने पर इनका जो स्मेल आता है वो जले हुए प्रोटीन की तरह होता है। तो यह नायलॉन 6, इसको पेरलोन एल भी कहते हैं, पेरलोन एल या पेरलोन 6। मैं ये एल इसलिए याद रख पाया क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ओपन होता है ना, ये जो रिंग है, ऐसे रिंग है, ये रिंग ओपन होता है तो एल जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ ऐसा ही सोच लेता था मैं उस जमाने में, तो वो याद रह गया। तो आप देख लें ये है नायलॉन 6, नायलॉन 6 भी देख चुके हैं, तो ये सब पॉलीमाइड है। अब देखेंगे बेकेलाइट, बेकेलाइट इसको बोलते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, क्योंकि इसमें दो तरह के मोनोमर्स यूज होते हैं, एक होता है फिनॉल एंटाइम और दूसरा होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दो तरह के मोनोमर्स होते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। मैं इसको सबसे पहले याद रखेंगे क्षारीय माध्यम में, यानी बेसिक मीडियम में, ये सबसे पहला काम करता है आर्थो या पैरा पोषण के एच को लेकर के ये OH बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। देखो क्या हुआ, एल्कोहल बना लेता है, तो क्या हुआ OH इस जगह पे सोच लेता है, तो इस जगह पर अपनी वैलेंसी बच गई है सी OH हो गया, देखिए इस जगह पे OH हो गया, इस जगह पे वैलेंसी बची हुई है, तो क्या बच गया, क्या बन गया CH2OH। आर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों जगहों के लिए लिख देते हैं स्ट्रक्चर। तो आर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मीथेन, हाइड्रोक्सी फेनिल मीथेन या मेथिल फिनाइल, इस जगह पे भी आप नाम लिख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी करके, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें दो तरह से बहुलकीकरण होता है, ये रेखीय रूप में और त्रियकबद्ध, तो दोनों रूपों को आपको बता देते हैं। ये जो बना हुआ है इनका पॉलीमराइजेशन होगा CH2OH प्लस या एन टाइम लिख देता हूं, तो क्या होगा आर्थो पोजीशन का ये H है और ये OH निकल जाएगा पानी बनके, तब इनका पॉलीमराइजेशन होने से क्या हो गया OH CH2, और इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाता है, ये इधर से कंटिन्यू है और फिर ऐसे स्ट्रक्चर एक बार और जुड़ेगा,
ऐसी कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं, तो इनको बोलेंगे एन टाइम, लिख सकते हैं यहां पर, लिख दीजिए एन टाइम वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो इनको कहा जाता है नोवेलॉक, नोवेलॉक कहलाता है। और यदि यही संरचना क्रॉस लिंक्ड हो, तिर्यक बंध, तीन दिशाओं से हर एक अणु तीन तीन दिशाओं से जुड़ने लगे, तो उसे कहा जाता है बेकेलाइट, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। तो वो भी आपको बता देते हैं, आपको एन मॉलिक्यूल्स, ये पैरापोशन वाला भी होगा, एन टाइम अम्लीय क्षार की उपस्थिति में, और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैं इनको मिटा रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए, पहले पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। अम्लीय क्षार की उपस्थिति में ये उच्च ताप पर, यानी कि 4 से 5 से 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, ये और तो ये क्या करता है, आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाता है। तो देखिए क्रॉस लिंकिंग कैसे दिखाएंगे, आप बेंजीन रिंग इस तरह बनाइए, फिनॉल बनाइए, चलिए इस तरह से हम कई एक के बाद एक इस तरह से फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से। और ये देखें कि दो ऑर्थो पोजीशन इसके हिसाब से ना, इसके बेस पर, OH के बेस पर ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर CH2, और ये दोनों को इसका देखो, ये दोनों ऑर्थो है तो इसका भी ये दोनों ऑर्थो होगा, तो ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर लिंक करते हुए कई फिनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, साथ में दूसरा फिनॉल को भी आप जोड़ दीजिए, एक इस तरह जमाएंगे तो एक्चुअली ये चादर के समान स्ट्रक्चर बन जाता है, शीट के समान बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ फिनॉल के ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाले जो चेन बन रही है उसके साथ लिंक हो जाता है, कुछ नीचे वाले के साथ हो जाता है, कुछ ऊपर वाले के साथ, तो सभी दिशाओं में इसका लिंक होता है, कुछ नीचे वाले के साथ लिंक हो जाएगा, ये इससे लिंक हो गया, मान लीजिए ऊपर वाले के साथ हो गया, नीचे वाला हो गया, फिर ये क्रम बना रहा है, तो चारों तरफ से वो एक जाल के समान, गद्दे के समान जाल बन जाती है ना, तो इस तरह का लिंक हो जाता है। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूं सब कुछ इस तरह से, इसका जैसे पूरे पैरापोशन है तो इसके हिसाब से ये पैरापोशन होगा, तो OH यहां पे है, लिंक हुआ CH2, बेकेलाइट, बेकेलाइट पॉलीमर है, ये थर्मोसेटिक पॉलीमर है। थर्मोसेटिक पॉलीमर की क्या विशेषता होती है कि इनको एक बार सेट हो जाने के बाद गर्म करने पर ये पिघलती नहीं है, भले ये जल जाएगी लेकिन ये नरम नहीं पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप दृढ़ बहुल, ये सब आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इन पे ध्यान रखिएगा। जो हमने ये सारे रिएक्शन देखे हैं कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ बना आर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, या इस तरह से पैराबेटॉक्सी मिथाइल फिनॉल, फिर नोवेलक बना, फिर बेकेलाइट बना, ये सारे रिएक्शन को हम लेटरन बना से रिएक्शन कहते हैं, या इस रिएक्शन को बस लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लेडरर मना से रिएक्शन कहते हैं। कल पीरियड में ऐसा भी प्रश्न आता है कि लेडरर मना से रिएक्शन लिखो, तो आप इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये ताप दृढ़ यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो इसका उपयोग ऐसे उपकरण में किया जाता है जिस जो गर्म होती है, जैसे प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, उस प्रेस का जो हैंडल होता है आपने देखा होगा कि वो प्रेस गर्म होने की वजह से, अगर गर्म होगा तो पूरे प्लास्टिक नरम पड़ जाएगा, या जो भी आजकल के जो प्रेस आ रहे हैं उसका जो बॉडी है प्लास्टिक की बनी होती है, पॉलीमर कभी नहीं बनी होती है, लेकिन वो पॉलीमर जो होता है पिघलता नहीं है, रीजन है कि वो बेकेलाइट का बना होता है। जो अपने जमाने में वो रिकॉर्ड देखते थे वो उसी का बना होता है, मैंने कहा था प्रेस का, फिर जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो भी इसी का होगा, इस तरह से जितने भी गर्म करने की जो चीज़ें होती हैं या जितने भी उपकरण बनते हैं जो गर्म होता है हॉट होता है उनके लिए यही प्लास्टिक उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बर्तन भी इसी तरह से बनाया जाता है, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, कुछ जो जैसे टीवी है या मोबाइल है इसके कैबिनेट भी इसके बनते हैं, तो जितने भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनके कैबिनेट जो है नॉर्मली हम बेकेलाइट से बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, गर्म होने पर ये पिघलती नहीं है। तो आगे चलें कुछ और देखें, एक और पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, हमने इससे पहले देखा था बेकेलाइट, बेकेलाइट होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और यह है मेलामाइन बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बिल्कुल दोनों के स्ट्रक्चर तिर्यकबंध होते हैं, दोनों ही थर्मोसेटिंग है, दोनों ही बहुत हार्ड है। अब इसको देखें, ये बिल्कुल क्रॉकरी की तरह दिखता है, क्रॉकरी समझते होंगे, चीनी मिट्टी की तरह दिखता है दिखने में, लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है क्रॉकरी
चीनी मिट्टी गिरने पर टूट जाती है, ठोकर लगने पर टूट जाती है, पर ये उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इनके बारे में आपको पता होगा कि जो पार्टियों में जो प्लेट यूज़ करते हैं या मेलामाइन जो डिनर सेट है वो इसी का बना होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत महंगी भी होती है, ये आप जानते हैं। तो चलिए देखें, इसका जो सतह होता है, सरफेस जो होता है, काफ़ी चिकना होता है, इस पर स्क्रैच नहीं लगती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो देखें ये मेलामाइन क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया था, इस जगह पे कार्बन है एक एक स्टेप में और इन जगह पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है, इसकी वैलेंसी पूरी है और इस जगह पर होगा H2 कार्बन के साथ NH2। ये एन टाइम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, H सी डबल बॉन्ड O H, बिल्कुल वैसा ही है, एक H यहां पर आ गया तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गई और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल पार्ट में, तो इस तरह से। और इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम एक चीज देखेंगे कि इसका मतलब ये OH क्या हो जाएगा, सी एन एच सी एच, मैं बना देता हूं आपको तकलीफ ना हो, इन जगहों पर NH2 है, ये मेलामाइन है, H हट गया, सी एच टू हो जाएगा, OH हो जाएगा, जैसे फिनॉल में हुआ था। ये स्ट्रक्चर बार बार कंटिन्यू होगा, मतलब आप समझ जाइएगा क्या होगा, इसका OH निकला, ऐसे एक स्ट्रक्चर का H निकलेगा तो इसका OH निकला जिसकी वजह से, और इधर का H निकला तो ये इसे ही H निकल करके कंटिन्यू हुआ, तो ये बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी जैसे कि फिर बेकेलाइट में बनता था। तो हम इनको बोलेंगे -H2O निकल गया और ये कहलाएगा, अच्छा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये रहेगा। साथ में इसको बोलेंगे, ये भी क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा जैसे फिनॉल में बेकेलाइट में हुआ था, तो ये कहलाता है मेलामाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको पॉलीमाइड के बारे में बताया था मैंने, नायलॉन 6 और नायलॉन 6-6, वैसे ही पॉलिस्टर होता है, पॉलीएस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर बोलते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलिस्टर, तो पॉली बोलते समय पॉलिस्टर बोलेंगे पर है पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक है ओली, एक देख सकते हैं टेरिलिन, देख सकते हैं टेरिलिन काफी है, और ग्लिप्टन उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही है, मैं आपको बता दूंगा हल्का सा। तो पॉलिएस्टर में आएगा टेरिलिन, टेरिलिन, टेरिलिन एक आप जानते हैं जैसे नायलॉन 6 और नायलॉन 6-6 रेशा बनाते हैं उसके, यानी फाइबर्स, फाइबरस पॉलीमर होता है, ऐसे ही टेरिलिन भी फाइबरस पॉलिस्टर होता है, यानी फाइबरस पॉलीमर होता है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं रेशा बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, और इसका जो है जितने भी रेशेदार जो चीज़ें बनाई जाती हैं कपड़े वगैरह के बारे में, खासतौर पर रेशे वगैरह, रस्सी वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। तो देखें टेरिलिन, टेरिलिन में कॉटन मिला दें तो टेरिकॉट हो जाता है, फिलहाल इसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे, पहले इसका मोनोमर क्या है, टेरी टर ली टर टश, क्या बोला था, टर टेरिलिन टेराथैलिक एसिड, वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो यानी पैराथैलिक एसिड, COOH बेंजीनिंग में दो अपोजिट पोजीशन पर आ जाए तो इसको कहा जाता है पैराथैलिक एसिड यानी टेराथैलिक एसिड, टेरा थैलिक एसिड, तो इस शब्द से आप निकाल ले। और दूसरा शब्द है लीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH, इसको जानते हैं ना आप, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटाइम, एंटाइम। तो पॉलीमर्स को याद रखना कितना आसान हो गया, देख लीजिए, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, इसका OH निकलेगा, OH निकलेगा, और इसका H निकल गया, H निकल गया, तो क्या हुआ, जरा देखें इस स्टेप्स को, सी डबल बॉन्ड ओ बेंजर रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हट गया, इतना पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट क्या आएगा आपका, ये वाला CH2, देखिए CH2 ओ ओ ओ से पहले ओ तो बचा हुआ है ना, ओ को लिखेंगे ओ CH2CH2O, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर कई बार कॉपी होगा, एक के बाद एक लाइन से जुड़ने लगेगा, क्रमवार जुड़ने लगेगा, चेन बनाएगा, और इस तरह से ये होगा
टेरिलिन। अब देखो यहाँ एस्टर है कि नहीं, एस्टर ग्रुप है कि नहीं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये देखिए एस्टर। तो ये स्ट्रक्चर कई बार बनेगा, यहां पर भी होगा, उधर भी आगे जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पॉलिएस्टर, इसीलिए पॉलिएस्टर है। और ग्लिप्टल क्या होता है ये भी बता दूं, ये आर्थो पोजिशन पर है तो ये सॉरी पैरा पोजिशन पर है तो उसमें आर्थो पोजिशन वाला हो जाएगा, तो जो बना हुआ जो पॉलीमर है वो ग्लिप्टल कहलाता है, वो भी रेशे के रूप में वर्क होता, रेशा होता है यानी कि फाइबर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ पॉलीमर्स जो है एग्जाम्स में आएंगे और उनके मोनोमर्स पूछा जाएगा, उसके रिएक्शन लिखने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि हम उसके मोनोमर भूल जाते हैं, तो आप मोनोमर ना भूलें, आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बिल्कुल आप लाइक और शेयर तो किया ही करें, कमेंट्स करें आपको और क्या चाहिए, क्या बताना है हमें, आप बताइए कि इस इसमें और क्या होना चाहिए था, सारी चीज़ें आप बात कर सकते हैं, सारी डिस्कशन कर सकते हैं, नाराज़गी ना शो करें, या नाराज़गी है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं क्या है, लेकिन नाराज़गी रखने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि हम हमारे साथ जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, हम एक की बात सुनते हैं तो दूसरे की बात छूट जाती है, दूसरी की सुनते हैं तो एक की छूट जाती है, तो हम चाहते हैं सबकी बात सुने, जो कॉमन बात कर रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो चाहते हो उनको हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉलीमर को समझा दो सर बोले, उनको मैंने समझाया, पी ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में क्रैश कोर्स आपका क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अभी आ रहे हैं अनअकैडमी में, उसमें जाइए, आपको एग्जाम की पूरी तैयारी मिलेगी। मैं आप दो रास्ते दे रहा हूं, यूट्यूब की तरफ से और अनअकैडमी की तरफ से, तो दोनों को आप करें तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो लिखा हुआ मैं इसमें भी बता रहा हूं, और अनअकैडमी में तो बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपके पास नोट्स बन जा रहे हैं, और हिंदी मीडियम में बढ़िया सा नोट्स लिखा हुआ, कैसे लिखना है आंसर एग्जाम में वो भी मैं आपको दे रहा हूं, तब वहां भी आइए और वर्क करिए, आपका स्वागत है। तो आज की क्लास यहीं तक, नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप यूट्यूब बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप यूट्यूब चालू करें। जब यूट्यूब चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे आप ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।